आज कितना दुखद पल है। लता दीदी जो कि पूरे विश्व में अपने स्वर की तासीर उन्होंने ऐसी पहुंचाई कि आज सारे जगत की वो दीदी बन गई। और हम लोगों का बड़ा सौभाग्य रहा कि उनसे कई बार मुलाकात हुई, बहुत नज़दीकी बैठ के बात करने का भी अवसर मिला। 1982 में लता दीदी ने एक प्रोग्राम किया था, पंडित दीनानाथ मंगेशकर स्मृति समारोह, जिसमें हम दोनों भाइयों का गायन था और श्रीमती सितारा देवी जी का डांस था। और वो हमारी पहली मुलाकात थी उनसे। और उस समय उनकी आवाज़ ऐसी थी जैसे कि कोई मंदिर की घंटी बजती हो। तो वो आके हम लोगों को ग्रीन रूम में मिली और बोली कि भैया कुछ चाहिए, चाय कॉफ़ी कुछ चाहिए। तो ऐसा लगा कि कोई घंटी बज रहा हो, इतनी सुरीली। और फिर उसके बाद कार्यक्रम के बाद में हम लोगों को बहुत प्यार दिया उन्होंने, स्नेह दिया, आशीर्वाद दिया। और उसके बाद 1983 में सुर संगम के लिए भी उन्होंने अपनी आवाज़ दी, मेरे बड़े भाई पंडित राजन मिश्रा जी के लिए। और दोनों लोग मिल के एक गायन उन्होंने गाया। उसके बाद कई बार ऐसे अवसर आए कि दीदी हम लोगों को प्रोग्राम में मिली और स्टेज पे हम लोग बैठे, एक साथ शेयर किए। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य रहा। लेकिन ये जो संगीत जगत की क्षति होते जा रही है, पंडित राजन मिश्रा जी गए, उसके बाद में पंडित बिरजू महाराज जी गए, उसके बाद में आज लता दीदी चली गई, तो ये पता नहीं भगवान क्यों इस तरीके का कार्य कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि संगीत जगत पे जैसे कोई नज़र लग गई है। क्या कहा जाए, शरीर आया है तो जाएगा ही। और दीदी को मेरी सतत श्रद्धांजलि है, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसी गायिका शायद ही अब कोई इस पृथ्वी पे आएगा। मेरा बहुत बहुत सत नमन है, बहुत ज़्यादा श्रद्धांजलि के स्वरूप मैं उनको प्रणाम करता हूँ। और ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि उनके परिवार को शक्ति दे, हम सबको शक्ति दे इस दुख को सहन करने की।